आज आप किनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हमारे अभिन्न मित्र अक्षय शंकर वर्मा, अच्छा, जिनकी पिछले वर्ष कोरोना काल में असामयिक मृत्यु हो गई थी। वो क्या करते थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यों में बच्चों का हिस्सा लेते थे। अच्छा, और कहाँ मृत्यु हो गई अचानक? यहीं के थे, बतना ग्राम के रहने वाले थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, सामाजिक व्यक्ति थे, इलाहाबाद में रह करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, और कोरोना ने उनको ऐसा किया कि हम लोगों से दूर कर दिया। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी क्या? शादी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज आप किनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हमारे अभिन्न मित्र अक्षय शंकर वर्मा, अच्छा, जिनकी पिछले वर्ष कोरोना काल में असामयिक मृत्यु हो गई थी। वो क्या करते थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यों में बच्चों का हिस्सा लेते थे। अच्छा, और कहाँ मृत्यु हो गई अचानक? यहीं गांव में। गांव में, यानी कोरोना लहर की चपेट के कारण? अक्षय शंकर मेरा छोटा भाई, मुझसे 12 साल छोटा था। एक चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या करते थे? ये पहले तो वोडाफोन आइडिया में नौकरी करते थे, उसके बाद 2017 से नौकरी छोड़ करके अपना समाज सेवा का काम करते थे। उसके बाद लगातार समाज सेवा के बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई और कैसे हो गई, किस अवधि में हुई? ये घर पे आए हुए थे, अपना घर का जो मरम्मत का काम था वो करा करके, मेरे से तो जो लास्ट बात हुई है तो घर का मरम्मत के बारे में ही बात हुई है। उसके बाद मैं कुछ बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज हो गया, और उसके बाद मतलब कि मुझे तो हॉस्पिटल में लोगों ने बताया भी नहीं कब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन 5-6 महीने बाद मुझे पता चला। कैसे मृत्यु है, किन कारणों से मृत्यु हुई तुम बताएंगे? ये तो मुझे बड़े भाई बताएंगे। किन कारणों से बताएं? कोरोना काल में इनकी घर पर आए थे और घर का कुछ काज करा करके लौटे थे, फिर उनका जो है तो कोई बीमार नहीं थे, लेकिन कोरोना का की लहर में उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, कोरोना की लहर में उन्हें चपेट में ले लिया। चपेट में 27 अप्रैल 2021 की उनकी मृत्यु हो गई, जिसका आज उनका सरलहवा श्रद्धांजलि समारोह प्रथम समारोह है। ठीक है, धन्यवाद।